की भी जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। और फ्रेंड आज का ये वीडियो है ना ये सारी गर्ल्स के लिए है जो मेकअप यूज करती है, क्योंकि मैंने आपको मेकअप हाइजीन में बताया है कि अपने मेकअप प्रोडक्ट को प्लस मेकअप टूल को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब चाहे आप मेकअप यूज करें या मेकअप टूल्स यूज करें, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। आप चाहे इस तरह के जो भी आप मेकअप यूज करें, चाहे फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, कॉन्टोर पैलेट हो, ब्लश हो, इस तरह का आप देखो जो ट्यूब्स आप यूज करते हो, या फिर जो ब्रशेस आप यूज करते हो, तो ये सारी चीजें जो आप यूज करते हो इसे क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको मेकअप हाइजीन वाले वीडियो में ये बताया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे टूल्स को प्लस वो सारे प्रोडक्ट को आप कैसे क्लीन करें जो आप बैक्टीरिया फ्री रहे, आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया फ्री रहे, आपका स्किन जो है हमेशा हेल्दी रहे। फाउंडेशन के ट्यूब है तो इस तरह के, चाहे आपके पास ट्यूब हो, चाहे आपके पास इस तरह का कॉन्टोर पैलेट हो, या फिर इस तरह के आपके पास कॉम्पैक्ट हो, ब्लश हो, तो ये सारी चीजों को, आपके पास आई शैडो हो, तो इसे हम कैसे क्लीन करें। हम प्रोडक्ट को तो क्लीन कभी नहीं करते, हम ट्यूब्स को क्लीन करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट को कैसे क्लीन करें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये है टेप। और फ्रेंड आप इस टेप को भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास सेलो टेप है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रिकल टेप को मत यूज करना, वो काफी स्टिकी होता है। तो आप इस टेप को कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ली हूँ ब्लश और मुझे इसको करना है क्लीन, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ब्लश का जो ऊपर का सरफेस है ना जिसमें मैं बार बार ब्रश घुमाती हूँ और फिर लगाती हूँ, फिर ब्रश घुमाती हूँ फिर लगाती हूँ, तो इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं क्योंकि हम उस ब्रश से बार बार रीयूज करते हैं। कभी कभी ब्रश में मॉइस्चर भी होता है तो वो मॉइस्चर इसमें जाता है और इसे हम क्लीन नहीं करते, तो इसमें बैक्टीरिया तो होता ही है, और फिर जब हम इसे रीअप्लाई करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे स्किन में भी जाता है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरह के टेप को ऐसे निकालो, ठीक है, एंड देन आप इसको यहां से फाड़ो। अब आप लो अपना ब्लश का पैलेट एंड देन इसके ऊपर आप इसे इस तरह से चिपकाओ एंड देन थोड़ा सा रब करो और फिर इसे हटाओ। आप देखो ऊपर की जो परत है ना, ऊपर की जो लेयर है, उससे सारे जो बैक्टीरिया है ना वो आपके इस पे आ जाएंगे। अगेन मैं दोनों कॉर्नर पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने बीच में किया था, सी एंड देन अगेन इस पार्ट से जो कि बचा हुआ है। ये तो ये आपकी ऊपरी सतह के जितने भी कीटाणु थे, जितने भी बैक्टीरिया थे जो कि पता नहीं कब से इस पे लगे हुए होंगे, तो ये सारे आ गए आपके इस टेप पे और ये आपका प्रोडक्ट हो गया बिल्कुल क्लीन। सी तो इसी तरह से आपको क्लीन करना है। मैं आपको एक और प्रोडक्ट क्लीन करके दिखाती हूँ जो कि है कॉम्पैक्ट, जो कि हम लोग रोज यूज करते हैं, तो इसे भी सेम हम लोग इसी तरह से टेप लेंगे। मैंने लिया इसे, हम यहां से तोड़ेंगे, ये रहा मेरा कॉम्पैक्ट और मैं इसी तरह से इसमें मैं आपको दिखाती हूँ टेप को इसी तरह से लगाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है जेंटली एंड देन फिर आप इसको हटा दीजिए। अगेन इस पे एक फर्स्ट लेयर आ गया है और यही आप फिर नेक्स्ट करें जिस एरिया में आपने नहीं किया है, थोड़ा सा प्रेस करना है देन फिर आपको हटा देना। तो ये जो ऊपर की जो लेयर है ना वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, आप देखिए। तो अब ये प्रोडक्ट हो गया है आपका बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, आप इसे फ्री होके इसे यूज करें, आपके स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। प्लस मैं आपको दिखा रही हूं, अब बात आती है इस तरह की ट्यूब की, तो इस तरह के जो ट्यूब्स होते हैं ना उसकी क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको दिखाती हूँ इसे खोल के। आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, यहाँ होते हैं जर्म्स, यहाँ होती है बैक्टीरिया। और प्लस मैं इसमें भी दिखाती हूँ, इसका भी सेम है, मैं भी रेगुलर यूज करती हूँ, तो मैंने इसे नहीं साफ किया था आपको दिखाने के लिए, तो अब मैं बताती हूँ कि इसको भी आपको कैसे साफ करना है।
आके मैं ये ले रही हूँ। ये है मेरा फाउंडेशन के ट्यूब का नेक, जिसे मैं इस तरह से इसमें घुमाऊंगी और उसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी। सी, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो मेरे इस पे आ गया। अगेन मैं इसे एक बार और दोबारा से दोहराऊंगी, क्योंकि फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने प्रोडक्ट को क्लीन रखना, क्योंकि मुझे पता है कि फर्दर वो हमारे स्किन को डैमेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें होते ही हैं इतने सारे थोड़े बहुत तो केमिकल्स होते ही होते हैं सारे प्रोडक्ट में। तो ये केमिकल्स यदि ऊपर में इस तरह से सतह में लगे रहेंगे, बैक्टीरिया बनेगा, तो ये हमारे स्किन के लिए ही नुकसान देगा, हमारे स्किन को ही नुकसान करेगा। तो आप देखिए ये बिल्कुल हो गया, ये है स्किन नेक बिल्कुल क्लीन, और सारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो ऊपर की जो लेयर है वो इस पर आ चुकी है। तो आप देखिए इस तरह से आप अपने ट्यूब को क्लीन कीजिए। मैंने आपको जिस तरह से बताया अपने कॉम्पैक्ट को क्लीन करने के लिए, आप उस तरह से क्लीन करें। अब बात करते हैं हम आई शेडो की, तो आई शेडो में भी सेम करना। मैं पहले लगाऊंगी इस कलर पे एंड देन मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगी, और आप देखिए ऊपर की सारी लेयर इस पे चिपक चुकी है। अब मैं जाऊंगी दूसरे कलर पे अगेन एंड देन इस पे इस तरह से प्रेस कीजिए, अगेन सारा कुछ इसमें आ गया। तो ये आ गए सारे के सारी, जितनी भी गंदगी जितना भी ऊपर का परत था वो सब इस पे आ चुका है। मेरा ये जो प्रोडक्ट है अब ये हो गया है बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, बिल्कुल क्लीन। तो इस तरह से मैं अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट को क्लीन करती हूँ। अब जैसे ये कॉन्टोर पैलेट है तो इसको भी मैं सेम ही क्लीन करूंगी। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है आप इसी तरह से एडहेसिव टेप लीजिए, बट बहुत ज़्यादा एडहेसिव नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एडहेसिव होना चाहिए उस पर। जिस तरह का मैंने आपको टेप दिखाया इस तरह के टेप आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप सेलो टेप भी ले सकते हो। और इसी तरह से आपको ऊपर की परत पे लगा लगा के उसको हटाना है। तो प्रोडक्ट को आप समझिए ना कि प्रोडक्ट को आपको कैसे क्लीन करना है। अब मैं बात करती हूँ टूल्स की। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस हैं, आई शेडो ब्रशेस हैं, आईब्रो ब्रशेस हैं, देन फिर इस तरह के फाउंडेशन ब्रश हैं, इस तरह का पाउडर ब्रश है, और इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यदि बात करूँ तो मैं इस सभी चीज़ों को क्लीन करने के लिए क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ एक ऐसा बाउल और इसमें मैं डाली हूँ हाफ तक वाटर, एंड देन मैं इसमें ऐड करूंगी अपना फेवरेट फेस वॉश। आप चाहे आप कोई भी फेस वॉश यूज करते हो, ऑब्वियसली यदि ये फेस का प्रोडक्ट है और आप फेस वॉश यूज करेंगे, या फिर मैंने आपको अपने मेकअप हाइजीन में बताया है कि आप जॉनसन बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हिमालय का लेमन फेस वॉश, और आप देखो मैं इसमें डाल रही हूँ, बस ज्यादा नहीं डालना है आपको, 2 से 4 ड्रॉप ही डालना है। एंड देन इसको मैं डालूंगी माइक्रोवेव में फॉर 1 मिनट, और यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैं आपको बता दूं आप नॉर्मल सा एक स्टील के कंटेनर में पानी को बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद आप उसको आग से उतार के उसमें आप अपना कोई भी फेवरेट फेस वॉश डालिए, उसको अच्छे से घोल लीजिए, और घोलने के बाद ये सारे टूल को उसमें डिप करके थोड़ी देर तक छोड़िए एंड देन फिर आपको निकाल लीजिए। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि माइक्रोवेव में मैं इसे कैसे करती हूँ। जो भी आपके मेकअप एसेंशियल है आप इस तरह से इसमें सुखा सकते हैं, और अच्छे से इसे इस तरह से पोंछ लेने के बाद आप इसको धूप में जरूर डालिएगा, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है, हम जानते हैं कि धूप के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं अभी बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको इस तरह से आप हल्का पोंछ लें,
अब क्योंकि आपको धूप में डालना है तो आप धूप में डालेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे भी ये सारे भीगे हुए हैं, तो इसमें डर्ट ऐड हो सकता है, इसमें डर्ट लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको इस तरह का एक कॉटन का क्लोथ लेना है एंड अपने सारे टूल्स को आप उसमें डाल लीजिए अच्छे से एंड देन इसको रैप कर लीजिए। और रैप करने के बाद आप इसको रख दीजिए ऐसे ही धूप में। इससे क्या होगा कि ना ही इस पे ऊपर से डर्ट बैठेगा, ना ही ऊपर से कोई भी धूल मिट्टी जमा होगी, प्लस सन ड्राई होने के कारण ये एसेंशियल जितने भी हमारे ये सारे बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स आपने देखा ना कि मैं अपने मेकअप एसेंशियल को किस तरह से क्लीन करती हूँ और इसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता, आप आराम से कर सकते हो घर पे। क्योंकि फ्रेंड जितना मेकअप करना इम्पोर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारी चीजों का ध्यान रखना। क्योंकि यदि हम सारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हमारे स्किन को ही पहुंचेगा। तो आप जितने भी लोग हैं जो कि मेकअप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेकअप करना अच्छा लगता है या फिर मेकअप करना एसेंशियल है, जरूरी है, तो इन बातों का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ स्टाइलिश बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मिलने आऊंगी नई वीडियो।